हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज में हम लोक प्रशासन के टॉपिक को देख रहे थे और लोक प्रशासन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर टू है। जैसा कि हमें पता है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस को हमने पांच भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बाकी सेकंड टॉपिक हमारा लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत। आज से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। पिछले लोक प्रशासन के पिछले लेक्चर में हमने लोक प्रशासन में प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों की परिभाषाओं को, अवधारणाओं को, इनके नव लोक प्रशासन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। इस लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, और इनकी जो विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न स्कॉलर्स ने जो परिभाषाएं दी हैं, उनकी परिभाषाओं को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर फॉलो करें, उसके बाद फिर आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को देख सकते हैं। लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, आज से हम अपना ये फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस फर्स्ट टॉपिक को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाई टॉपिक स्टडी करेंगे, ताकि हमारा एक पर्सपेक्टिव एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो, सिर्फ हम वही पढ़ें जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें पढ़ना है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पदानुक्रम, हायरार्की, निर्देशों में एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ये सारा बिल्कुल सिलेबस में जो टॉपिक हैं वही टॉपिक हम स्टडी करेंगे। नियंत्रण का दायरा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्राधिकार और जिम्मेदारी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रत्यायोजन, प्रतिनिधिमंडल या डेलीगेशन। आपने ये सारा सिलेबस में, पूरा सिलेबस देखा होगा, सिर्फ इंग्लिश में ही है, वो सारा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डिवाइड कर यहाँ नोट कर दिया है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, लाइन एंड स्टाफ, रेखा और स्टाफ, ये 10 टॉपिक इस पहले लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, इसके पहले टॉपिक में ये 10 सब टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाई वन देखेंगे। तो पहला है हमारा संगठन। कि संगठन क्या होता है? प्रशासन एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह का सरकारी प्रयास है। दूसरे शब्दों में, संगठन प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई संगठन मनुष्यों, सामग्रियों और धन के उचित उपयोग में सहायता करता है। इस प्रकार संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता। दिमाग कहते हैं कि संगठन वो बुनियादी औजार है जिसके जरिए प्रशासन प्रक्रिया को चालू हालत में रखा जाता है। अब संगठन की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने जो इसकी परिभाषाएं दी हैं। संगठन की संगठन शब्द ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है साझी गतिविधि में लगे परस्पर लोगों का एक निकाय, यानी एक समान गतिविधि में लगे लोगों का एक निकाय, यानी कि एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन। विभिन्न राजनीति शास्त्रों ने संगठन की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। मूनी के अनुसार, एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा, संघ सभा या संघ का रूप ही संगठन है। साइमन के अनुसार, संगठन से आशय सहकारी प्रयोग की एक सुनिश्चित व्यवस्था से है, जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। गुलिक के शब्दों में, संगठन सत्ता का वो निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके जरिए परिभाषित उद्देश्य के लिए कार्य के उपविभागों को व्यवस्थित, परिभाषित और संयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं हम ग्लेडन के, इसकी संगठन की क्या परिभाषा दी है। ग्लेडन के अनुसार, संगठन का सरोकार एक उपक्रम में व्यक्तियों के बीच संबंधों के प्रतिरूप से होता है, जो इस प्रकार निर्मित होता है कि उद्यम के काम को पूरा किया जा सके, किसी बिजनेस के काम को पूरा किया जा सके। फिफनर के अनुसार, संगठन में सुव्यवस्थित श्रम विभाजन लाने के लिए संबद्ध व्यक्तियों और समूहों के बीच में के संबंध शामिल होते हैं। एलडी वाइट के अनुसार, एक संगठन के कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के जरिए किसी आम सहमति के उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता सुगम बनाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था ही संगठन है। चेस्टर बर्नार्ड, संगठन दो या अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों या शक्तियों के सोचे समझे तालमेल की एक व्यवस्था है। इसी तरह जेस गॉस, संगठन एक साझा उद्देश्य में लगे व्यक्तियों और समूहों के प्रयासों और क्षमताओं को इस रूप में जोड़ना है कि उन लोगों के बीच न्यूनतम मतभेद और अधिकतम संतोष के साथ वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अरविक के अनुसार, संगठन किसी उद्देश्य के लिए जरूरी गतिविधियों को निर्धारित करने और उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने का काम है, ताकि उन्हें व्यक्तियों को सौंपा जा सके।
एलडी वाइट के अनुसार एक संगठन के तीन प्रमुख अंग होते हैं, व्यक्ति, संबद्ध प्रयास या कलेक्टिव एफर्ट्स, साझा उद्देश्य और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सीई बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन के निम्न अंग होते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, परस्पर संचार और सेवा करने की इच्छा। अब संगठन की लाक्षणिक विशेषताएं देख लेते हैं। निकोलस हेनरिक ने किसी संगठन की निम्न लाक्षणिक विशेषताओं को बताया है। संगठन उद्देश्य पूर्ण जटिल मानवीय समूह होते हैं। इनकी पहचान द्वितीयक संबंधों द्वारा की जाती है। इनके विशेषीकृत और सीमित लक्ष्य होते हैं। संवहनीय सहकारी गतिविधि इनकी एक विशेषता है। वे एक बड़े सामाजिक तंत्र के भीतर एकीकृत होते हैं। ये अपने पर्यावरण की सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये अपने पर्यावरण के साथ आदान प्रदान पर निर्भर करते हैं। संगठन के आधार, लूथर गुलिक ने संगठन के चार आधारों की पहचान की है। यह उद्देश्य, प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस, व्यक्ति और संस्थान यानी कि पर्सन और प्लेस। उद्देश्य, इसका अर्थ है संगठन द्वारा किया जाने वाला काम। काम पर आधारित संगठन के दो उदाहरण हैं कि उदाहरण निम्न हैं, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि। उद्देश्य सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको कार्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उद्देश्य सिद्धांत जो है ये कार्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके निम्न गुण होते हैं, संगठन को एक सुसंगत मिशन देना, यह कामों को परस्पर आच्छादन और दोहराव को खत्म करता है, यह समन्वित नीतियों के विकास में सहायता करता है, यह असफलताओं की जिम्मेदारी तय करने में सक्षम बनाता है, यह सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। उद्देश्य सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत के जो दुर्गुण हैं, जो इसकी कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं, वो निम्न हैं। ये अधीनस्थों के काम की उपेक्षा करता है, यानी कि सबॉर्डिनेट्स के काम को ये प्रिफरेंस नहीं देता। ये नवीनतम तकनीकों की उपेक्षा करता है। ये टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये चिंतन में विभागीयता की ओर ले जाता है। सेकंड है प्रक्रिया या प्रोसेस। इसका अर्थ काम को पूरा करने में संगठन द्वारा प्रयोग में लाई गई तकनीक या विशिष्ट कौशल से है। इस प्रक्रिया पर आधारित संगठन के निम्न उदाहरण हैं, अंतरिक्ष विभाग, कानून विभाग, समुद्र विकास विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इत्यादि। प्रक्रिया सिद्धांत के निम्न गुण हैं, ये सर्वाधिक विशिष्टीकरण में सहायता करता है, यह आधुनिकतम तकनीक के अधिकतम उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करता है, ये श्रम बचाने वाले यंत्रों के अधिकतम उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है, यह तकनीकी कामों में तालमेल को प्रोत्साहन देता है, यह कैरियर सेवा के विकास के लिए अनुकूल होता है। अब प्रक्रिया सिद्धांत के दुर्गुण देख लेते हैं। इसके जो डीमेरिट्स हैं, इसका सीमित उपयोग होता है क्योंकि इसे गैर तकनीकी गतिविधियों में नहीं लागू किया जा सकता। यह लक्ष्य से ज़्यादा महत्व माध्यम को देता है। यह लक्ष्य से ज़्यादा महत्व माध्यम को देता है। यह पेशेवरों में घमंड की भावना को विकसित कर देता है और मतभेद की ओर ले जाता है। प्रोफेशनल्स में ये ईगो भी डेवलप कर देता है। ये सामान्य प्रशासकों की सेवाओं की उपेक्षा करता है। अब थर्ड देखते हैं इसमें व्यक्ति। इसका अर्थ है संगठन की सेवा प्राप्त कर रहे लोगों का समूह या ग्राहकगण। तो समूह ग्राहकों पर आधारित संगठन के उदाहरण निम्न हैं, पुनर्वास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, स्त्री कल्याण विभाग इत्यादि। इस ग्राहक सिद्धांत के निम्न गुण हैं, यह एक समूह की सभी आवश्यकताओं के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदार बनाता है, यह लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के तालमेल में सहायता करता है, यह लक्ष्य समूह और एजेंसी के बीच एक करीबी रिश्ता कायम करता है, यह समस्याओं के प्रति एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। इसके निम्न दुर्गुण हैं ग्राहक सिद्धांत के, ये डीमेरिट्स हैं। ये छोटे छोटे विभागों की विशाल संख्या को पैदा कर देता है और इस तरह के ऐसे प्रशासन में परिणामित होता है जिसे होल्डन कमेटी लिलीपुट प्रकार का प्रशासन कहती है। लिलीपुट साउथ अफ्रीका की एक किड्स गारमेंट की एक कंपनी है। ये उसका उदाहरण पर होल्डन इसे होल्डन कमेटी इसे लिलीपुट प्रकार का प्रशासन के उदाहरण देके समझाती है। ये विभागों के बीच न्यायिक विवाद पैदा करता है। ये बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह दबाव समूहों के अनुचित प्रभावों के समक्ष संगठन को कमजोर बनाता है। फोर्थ और लास्ट है इसका स्थान। इसका अर्थ है संगठन के अंतर्गत आने वाला भूभागीय क्षेत्र। स्थान पर आधारित संगठन के उदाहरण हैं बाहरी मामलों का विभाग और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभाजन, दामोदर घाटी विभाग, रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय। इस स्थान सिद्धांत के निम्न गुण हैं, ये एक निश्चित क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बीच तालमेल में सहायता करता है।
यह संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल की इजाजत देता है। यह लंबी दूरी और संचार में होने वाले खर्चों को कम करके अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। अब सिद्धांत के स्थान सिद्धांत के निम्न दुर्गुण हैं, इसका डिमेरिट्स देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रशासन में एक रूपता के विपरीत होता है। यह राष्ट्रीयकरण और एकता की कीमत पर स्थानीयवाद को बढ़ावा देता है। ये एक बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये संगठन को स्थानीय हितों और दबाव समूहों के अनुचित प्रभाव के समक्ष कमजोर बनाता। अगला हमारा टॉपिक है पदानुक्रम हायरार्की। प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पदानुक्रम पर वेबर, फेयॉल, गुलिक, अर्विक, मूनी व रेली जैसे सभी क्लासिकी चिंतकों ने जोर दिया है। फेयॉल ने इसे स्केलीय प्रक्रिया कहा है, स्केलर प्रोसेस। मूनी ने कहा है कि पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इस पदानुक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चतर से निम्नतर। इसका आशय पिरामिड शैली में बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें क्रमिक चरण ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संगठन में स्केलीय श्रृंखला या स्केलीय प्रक्रिया का अर्थ है कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों के हिसाब के बजाय प्राधिकार और उनके अनुसार निर्धारित उत्तरदायित्व के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना, यानी कि उनको कार्यों के हिसाब से नहीं अथॉरिटीज के हिसाब से श्रेणीबद्ध करना। आगे देखते हैं पदानुक्रम की परिभाषाएं। एलडी वाइट के अनुसार पदानुक्रम में संरचना के ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों के तमाम स्तरों के जरिए श्रेष्ठ या अधीन संबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू करना शामिल है। मिलेट के अनुसार पदानुक्रम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और लाथम के अनुसार पदानुक्रम एक आरोही पैमाने में ही हीनतर और उच्चतर चीजों की एक व्यवस्थित संरचना है। रॉबर्ट प्रेस्थस के अनुसार पदानुक्रम एक संगठन के शीर्ष से आधार की ओर जाने वाला शीर्ष से आधार की ओर जाने वाला वाली एक अवरोही पैमाने से जुड़ी श्रेणी का क्रम पदों की एक प्रणाली है। कार्यात्मक सिद्धांत इकाइयों को पिरामिड रूप में संगठित करने के लिए निम्न तीन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। उचित माध्यम का सिद्धांत, अर्थात उन सभी निर्देशों और संदेशों को उचित माध्यम से होकर गुजारना चाहिए। लेन देन के काम में किसी भी स्तर को छोड़ा नहीं जा सकता है, उचित माध्यम का सिद्धांत। ये तदनुरूपता का सिद्धांत, अर्थात सभी स्तरों पर प्राधिकार और उत्तरदायित्व अनुरूपता समान और एक सीमा में वाले होने चाहिए। ये माना जाता है कि उत्तरदायित्व के बिना प्राधिकार खतरनाक और प्राधिकार के बिना उत्तरदायित्व अर्थहीन है। अब निर्देशों में एकता का सिद्धांत, अर्थात अधीनस्थ को आदेश ठीक ऊपर के श्रेष्ठ से ही मिलने चाहिए। ये हायरार्की का एक फ्लो चार्ट है जिसमें हायरार्की को समझाया गया है, जिसमें आदेश ए से बी की तरफ, बी से सी और सी से डी और इसी तरह जी तक जाते हैं, और इसी तरह ए से एल, एल से एम और लास्ट में पी से क्यू तक जाते हैं। चित्र जैसे कि इसमें डिफाइन भी किया हुआ है। चित्र ए में संगठन, ए संगठन का मुखिया है, जिसमें ए जो है वो यहाँ पर ये मुखिया है, और तथा ए के ठीक नीचे उसका अधीनस्थ बी है, तथा बी के ठीक नीचे उसका अधीनस्थ सी है। इस प्रकार ए के नीचे सभी ए के अधीनस्थ हैं। इस प्रकार ए से क्यू तक सभी ए के अधीनस्थ हैं, ए से क्यू तक। इस प्रकार कोई भी आदेश संगठन में ऊपर से नीचे अर्थात ए से जी तक जाता है, तथा संचार नीचे से ऊपर अर्थात जी से ए तक जाता है। जी और क्यू के बीच संचार ए के द्वारा होता है, अर्थात जी से ऊपर तक संचार जाता है, तथा फिर चरणबद्ध तरीके से संचार ए से क्यू तक जाता है। इसे उचित माध्यम द्वारा संचार कहते हैं। पदानुक्रम सिद्धांत के निम्न लाभ हैं। ये संगठन में हायरार्की जो प्रिंसिपल है इसके निम्न लाभ हैं। ये संगठन में एकीकरण और संबद्धता के औजार के रूप में कार्य करता है। ये संचार के एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ये सभी स्तरों पर जिम्मेदारियां निर्धारित करने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया के निष्ठापूर्वक निर्वाह को सुनिश्चित कर सही प्रवाह को छिन्न भिन्न होने से रोकता है। यह उच्च स्तर पर काम का बोझ नहीं बढ़ने देता। यह निर्णय निर्माण के विकेंद्रीकरण में मदद करता है। यह प्राधिकार के अधिकरण में सहायता करता है। यह फाइलों के आने जाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह लक्ष्य की एकता की सुव्यवस्था को बढ़ावा देता है। यह संगठन में अनुशासन एवं व्यवस्था को बढ़ावा देता है। पॉल एच एपलबी के अनुसार पदानुक्रम वो माध्यम है जिससे संसाधनों को बांटा जाता है, कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति की जाती है, कार्यों को चालू, उनकी समीक्षा और उनमें सुधार किया जाता है।
अब पदानुक्रम सिद्धांत की कमियां देख लेते हैं या हानियां, ये इसे डिमेरिट्स भी कहते हैं। ये लाल फीताशाही के कारण कामों को पूरा किए जाने में बेहद विलंब कर देता है। ये निम्न स्तर के कर्मचारियों की पहल और उत्साह को खत्म कर देता है, जिसका नतीजा अनिर्णय और कुशलता के रूप में सामने आता है। यह संगठन के सदस्यों के बीच गतिमान मानव संबंध बनाने के लिए अनुकूल नहीं होता, क्योंकि यह प्रशासन को बेहद बेलोच बना देता है। यह संगठन को लंबा बना देता है, परिणामतः ऊपर के कर्मचारी नीचे के स्तरों के कर्मचारियों से संपर्क खो बैठते हैं। यह निम्नलिखित अर्थों में विभिन्न स्तरों पर भिन्नताओं के चलते श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों को जन्म देता है। प्राधिकार और विशेषाधिकारों का विस्तार, जैसा कि जो ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं उनके विशेषाधिकार उनको अलग मिले होते हैं, लेकिन जो ग्रुप सी या ग्रुप डी में होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं मिला होता है। इनके कंपेरेटिवली ए के कंपेरेटिवली में जिम्मेदारियों की प्रकृति और वेतन स्तर, कर्मचारियों की योग्यताएं और गुण। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखेंगे, आने वाले आगे के लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें कि हमारा शामिल होगा, हमने अभी पदानुक्रम देखा है, निर्देशों में एकता और नियंत्रण का दायरा, ये हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।